तो गाइस सबसे पहली बात, लगभग एक साल पहले मैं माइनक्राफ्ट में एक नोबड़ा था एंड उस टाइम मैंने एक सर्वाइवल वर्ल्ड क्रिएट किया था जिसका नाम था हॉर्नेट्रॉन कासल। वो एक वर्ल्ड ने मुझे पूरा माइनक्राफ्ट सिखाया, समझ लो 90% माइनक्राफ्ट मैंने उस वर्ल्ड में सीखा था। एंड कुछ गलत चीज की वजह से अनफॉर्चुनेटली मैंने मेरा वर्ल्ड, मेरा ही पागलपंती की वजह से मैंने वो वर्ल्ड गलती से डिलीट कर दिया फॉर एवर। तो मैं और एक माइनक्राफ्ट का सर्वाइवल सीरीज शुरू करने वाला हूँ वर्जन 1.17.1। एंड जो भी मैंने मेरा पिछला वर्ल्ड में सीखा है सारा खला इसमें उतारूंगा। तो गाइस माइनक्राफ्ट सीजन 2 अपडेट 1.17.1 में मेरा सर्वाइवल सीरीज का एपिसोड नंबर 1 में आप सभी लोग का स्वागत है। तो वर्ल्ड कुछ ऐसा है कि स्टार्टिंग में मैं जहाँ पे स्पॉन हुआ हूँ वहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे ब्रिज दिख रहे हैं मुझे, मतलब हमें सफेद कलर का लकड़ियाँ मिलेंगे बराबर। तो हम लोग इससे हम लोग क्राफ्टिंग टेबल एंड अपना नेसेसरी वाले जो भी अपना वेपन्स हैं उसे हम बनाएंगे, ठीक है। चलो अभी हमें जल्दी से जल्दी ढूंढना है कि हमें केव कहाँ मिलेगा। तो एक फूल ले लेते हैं बिकॉज यार मेरा बेड को मैं लाल कलर करना चाहता हूँ। तो मैं 6 पत्थर कलेक्ट करता हूँ, जस्ट 6 नहीं लाइक, और एक काम करते हैं 20 पत्थर कलेक्ट करते हैं बिकॉज यार मेरे को पिकेक्स बनाने का है, स्वॉर्ड बनाने का है, एक्स बनाने का है एंड फाइनली एक फर्नेस भी बनाने का है। तो बहुत कुछ काम बाकी है। अच्छा अपने को कोल भी मिल गया ऑन द वे। तो गाइस 3 चीजों मेरे हाथ में आ चुका है अभी मेरे को फर्नेस बनाने के, लेकिन फर्नेस बनाने के लिए अभी मेरे पास उतना कोबलस्टोन नहीं है। तो हम लोग थोड़ा सा लाइक जितना भी कोल है उसे तोड़ेंगे, थोड़ा सा कोबलस्टोन कलेक्ट करेंगे एंड फर्नेस भी बना के हाथ में रख देते हैं। सारे सामान जब अपने हाथ में रेडी रहेगा तो हमें हमला करने के लिए कौन ही आ सकते हैं। क्या बात है सर, अभी तक तो यार बहुत इंटरेस्टिंग कुछ नहीं है। जैसे नॉर्मली होता है वैसे ही मैं गरीब पैदा हुआ है माइनक्राफ्ट में, शायद आगे जाके अमीर बन जाऊंगा। अच्छा है, अच्छा है। अगर आप लोग को ये वर्ल्ड एंड ये सीरीज जो है इसे सपोर्ट करने का है तो गाइस सिंपल सी एक लाइक बटन एक बार क्लिक कर दो एंड चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब बटन प्रेस कर देना। तो गाइस आज हमें 2-3 चीजें करना है, जैसे कि पहली बात तो ये है कि मुझे थोड़ा सा आयरन चाहिए एंड कोल चाहिए। तो मेरे को वैसे कोल तो मिल गया है, बस एक केव चाहिए जहाँ पे मुझे आयरन मिल जाएगा। मिल गया क्या केव? नहीं। ओ भाई बहुत ओपन, ओ भाई ओपन एरिया में हूँ यार मैं। ओ वहाँ पे मुझे एक हनी भी दिखा, वैसे तो उसमें हनी नहीं है। हनी नहीं ना, हनी नहीं है, खाना खाना ही पड़ेगा भाई। मैं ऑलरेडी थक गया गाइस, मेरे पास खाना ही नहीं है। अरे वाह, खाने का नाम लेते ही मेरा दोस्त मुगरी इधर ही है। मुगरी कैन यू गिव मी सम मोर फूड? मर जा भाई, थैंक यू। तो अभी वक्त आ गया हमें फर्नेस को बिठाने का एंड अपना पहला खाना कुक करने का। तो हम लोग खाना पका लेते हैं एंड खाना खाएंगे और क्या करेंगे भाई। अबे साले, अरे भाई स्लाइम बायम आ गया अपन। अच्छी बात है कि स्लाइम बायम है, बट यार मुझे आज ढूंढना था एक विलेजर। रुक जा भाई, अरे रुक जा भाई, बहुत हाँ थैंक यू। अरे बहुत बंदे भाई, बहुत बंदे, तुम लोग तो बहुत बंदे भाई। पार्टी करने आए थे क्या? मेरा पार्टी हो रहा है इधर उल्टा। लाल चल, ये बच्चा है, अगर मैं इसको भी छोड़ दूंगा तो ये क्या आगे जाके मेरे को रिवेंज लेगा? मेरे साथ अन्याय हुआ है, खत्म। बाद में मेरे घर के सामने आके बदला ले लेगा तो यार गलत हो जाएगा। वाह ओके, जिधर भी देखो यार सब जगह पे कल ही मेरे को बिर्च का वुड नजर आ रहे हैं। ओ बकरी 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 बकरी, ब्लैक बकरी बहुत है भाई, व्हाइट बकरी दे दो मुझे, आई नीड व्हाइट बकरी। सिर्फ एक ही मिला। तो गाइस दूर दूर तक मुझे ना ही कोई विलेज दिख रहा है ना ही कोई बकरी दिख रहे हैं। तो गाइस मैं यहाँ पे मेरा फर्नेस पे खाना पका रहा हूँ एंड मैंने देखा यहाँ पे एक छोटा सा आइलैंड है। हाँ? क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे एक छोटा सा एक केव है एंड यहाँ पे शायद से कुछ अंदर जा रहे हैं। रात होने वाला है मुझे अभी तक बकरी नहीं मिला भाई। ओ हे भाई, ये अपना नया अपडेट में आया ना। हेलो। तो गाइस रात होने वाला है, मुझे एक भी बकरी नहीं दिख रहा। बकरी बकरी बकरी, कम ऑन गाइस, बकरी दिख गया। इट्स टाइम टू गो एंड किल दिस गाइस। अभी तो कोई विलेज नहीं है भाई, बहुत स्ट्रेंज है यार। क्या विलेज का थोड़ा मिलने का सीन रेयर हो गया क्या? एक काम करते हैं हम लोग सीधा रास्ता पकड़ के निकलते हैं भाई, स्ट्रेट रोड, नो लेफ्ट राइट, ओनली स्ट्रेट रोड। वापस से पानी आ गया, ये जगह पे मैं आया था क्या? ओ भाई यार ये जगह क्या मस्त है यार। तो अभी हम लोग पानी के बीच में जा रहे हैं एक विलेज की खोज में। गालियां होनी चाहिए यार। आई थिंक यार एक विलेज मिलने के बाद ना एपिसोड एंड हो जाएगा आज का। अगर गाइस आप लोग को ये सीरीज को सपोर्ट करना है तो यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना ब्रो। तो गाइस जैसे कि आप लोग देख सकते हो जंगल में 2 दिन भटकने के बाद भी मुझे कोई विलेज नहीं दिखा, इसका मतलब ये हो गया कि यार यहाँ पे मैं कुनवरा मरूंगा। कुछ भी माइनक्राफ्ट में यही होता है यार, मैं जब पहली बार माइनक्राफ्ट खेलना शुरू किया आई वॉज लाइक यार विलेज ढूंढना बाद में, पहले घर बनाना है।
अब मैं सीखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले विलेज ढूंढ लो फिर बाद में घर बनाओ। चलो गाइस हम लोग और एक ब्यूटीफुल बायोम में आ गए हैं, लेकिन अभी तक बैड न्यूज ये है कि मुझे एक भी विलेज नहीं दिखा। रात होने वाला है क्या? बेड हाथ में रखते हैं, कोई मॉब बाजू में आने से पहले परचेस हो जाएंगे। वहाँ पे सामने क्या है? आई थिंक एक फॉरेस्ट आ रहा है। एक काम करते हैं हम लोग डेजर्ट बायोम में आज सो जाएंगे। सो जा भाई। तो गाइस हम लोग ने सक्सेसफुली अपना दूसरा दिन भी निकाल लिया। The next day. डेजर्ट बायोम में है तो यार ये बात समझ लो कि लाइक दूर दूर से ही हम लोग को विलेज दिख जाएगा, नहीं तो अगर कोई डेजर्ट टेम्पल है तो वो भी दिख जाएगा। एंड आई एम होपिंग कि पहले डेजर्ट टेम्पल मिल जाए तो यार ज्यादा मजा आएगा। ओ भाई साहब, अगर मैं फिर से एक भी थोड़ूंगा तो मुझे पता है यहाँ पे क्या सीन होने वाला है, बट नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे। मुझे लगा विलेज मिल जाएगा भाई लाइक गेम शुरू करने का 5 मिनट में मिल जाएगा। ओ भाई ये पत्थर का डिजाइन देखो ना यार, ऐसा लग रहा है कुछ बहुत ही बड़ा मशीन गिर गया एंड वो बहुत दिन से लाइक वहां पे गिरने की वजह से पूरा लाइक मिट्टी से कवर हो गया है। अगर कहीं जंगल बायोम के पास आ गया ना ऐसे ढूंढते ढूंढते तो मजा आ जाएगा भाई। जंगल बायोम में घर बना देगी हम। रैबिट्स आर टेम्प्टिंग मी। ओ भाई ओ भाई, रुको 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 रुको, इसका मतलब समझ रहे हो गाइस? चलो जाते। एंड फाइनली हमें मिल गया है एक डेजर्ट विलेज, वो भी एक जंगल के पास। भाई इनका घर पहले एक्सप्लोर करते हैं। एक्चुअली यार इनका घर का जो स्ट्रक्चर है थोड़ा सा चेंज हो गया भाई, पहले ऐसा नहीं था विलेज का घर। हेलो, तुझे भी वही करना है? और वहाँ पे फार्मर भी है, अच्छी बात है। दो फार्मर है इस विलेज में। 15 बीटरूट में 1 एमराल्ड देगा। बीटरूट उगाता क्या इधर? थोड़े दिन में मालूम हो जाएगा, फिर तेरा ही बीटरूट काट के तेरे को बेच दूंगा। तो एक काम करते हैं गाइस, आज हम लोग यहाँ पर ही हम लोग अपना आज का दिन बिताएंगे, इन विलेजर्स से बात करेंगे और देखते हैं इन विलेजर्स के साथ क्या कर सकते हैं। एंड मैं मोस्टली सोच रहा हूँ वो पहाड़ देख रहे इस पहाड़ के ऊपर घर बनाऊंगा, नहीं तो इधर ही बीच में बनाऊंगा, कोई आइडिया नहीं है। अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देखा है तो गाइस आज का नंबर रहेगा 704। पता नहीं ये नंबर मैंने क्यों बोला, ये मेरा ब्रेन में जनरेटेड रैंडम नंबर था। तो गाइस अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा तो लिख दो 704 इन कमेंट सेशन। एंड वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सपोर्ट कर देना सब्सक्राइब करके। मिलते हैं अगले वीडियो पे। टिल देन फ्रेंडली यूट्यूबर हॉर्नेट्रॉन साइनिंग ऑफ।